हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द मीनिंग, फीचर्स एंड प्रोसेस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर मैंने पहले भी जो है 25 के आसपास मेरे लेक्चर्स हैं, ये भी पुराने लेक्चर की मॉडिफिकेशन है। इसके अंदर भी मैंने काफ़ी कुछ जो है ऐड किया है, ये अपडेटेड लेक्चर है और इसके जो नोट्स हैं वो आपको मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की या बिजनेस पॉलिसी की प्लेलिस्ट जो है उसको चेक कर सकते हैं, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी शेयर कर दूँगी। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो एक टॉपिक है डैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बताने से पहले हम स्ट्रेटेजी का अर्थ समझते हैं। देखो, जो स्ट्रेटेजी है ये ग्रीक शब्द जो है स्ट्रेटेजो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जनरलशिप। स्ट्रेटेजी का पहले क्या था कि अर्थ ये लिया जाता था कि जब वॉर लगती है तो उस वक्त आर्मी जो है उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होती है। अब जो स्ट्रेटजी है इसका अर्थ होता है कि ये डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओवर लॉन्ग रन, कि जो हमारे लॉन्ग रन के जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हमने कैसे अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए हम किस तरह से स्ट्रेटजी का प्रयोग करते हैं। विलियम एफ ग्लुक ने जो है स्ट्रेटजी को डिफाइन किया है, स्ट्रेटजी इज़ ए यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान रिलेटिंग द स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस ऑफ द फर्म टू the challenges of the environment. It is designed to ensure the basic objective of the enterprise are the achieved. देखो, यहाँ पे strategy जो है, जब हम strategy बनाते हैं तो हम SWOT analysis करते हैं, जिसके अंदर हम internal environment को भी देखते हैं, external environment को भी देखते हैं, क्या है वहाँ पे opportunities, क्या है threats, क्या है हमारी internal strengths, क्या है weaknesses, क्या है। तो ये एक यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान है, जिसके अंदर हम अपनी स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करते हैं, थ्रेट्स और जो वीकनेसेस हैं उसको मिनिमाइज करते हैं, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको हम अचीव कर सकें। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी जो है डैट इज़ कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल्स, जो हमारे लॉन्ग रन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गोल्स सेटअप किए हैं उनको हमने कैसे अचीव करना है। स्ट्रैटेजी जो है डैट इज़ ए टेक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन। देखो, यहाँ पे टेक्टिकल का अर्थ होता है कि जो हमने स्ट्रैटेजी, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना है, तो लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए पहले हमें शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान बनाने पड़ते हैं। स्ट्रैटेजी इज़ ए टेक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन विच इज़ डिज़ाइन टू अचीव द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। जैसे मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म गोल जो है मार्केट लीडर बनना है, तो नेचुरली मार्केट लीडर बनने के लिए क्या है कि उसको इनिशियल स्टेजेस में क्या है, शॉर्ट टर्म जो एक्शन प्लान सोचने पड़ेंगे कि किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशन करती है, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करती है और मार्केट को एक्सप्लोर करती है और एडवर्टीजमेंट करती है। तो ये टेक्टिकल शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान्स हैं और जिनसे क्या है कि उसने लॉन्ग टर्म गोल जो उसका क्या है कि मार्केट लीडर बनना है। और जो स्ट्रेटजी है इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्लानिंग एंड मार्शलिंग ऑफ रिसोर्सेज। देखो, ये आर्ट भी है, साइंस भी है, क्योंकि स्ट्रेटजी के अंदर क्या है, कुछ सर्टन प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम किस तरह से जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है सेट करते हैं और किस तरह से हम प्लानिंग करते हैं, किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन करते हैं, ताकि हम जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके अंदर जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव तरीके से जो है अचीव कर सकें। स्ट्रैटेजी इज़ द बेसिक लॉन्ग टर्म गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज। देखो, जो स्ट्रैटेजी है ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल होता है, और यहाँ पे हमने किस तरह का कोर्स, किस तरह की स्ट्रैटेजी हमें बनानी चाहिए, किस तरह से हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहिए ताकि हम अपने गोल्स को जो है अचीव कर सकें। अब देखो, जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा बिज़नेस किस तरह का होना चाहिए, कौन सी मार्केट को हमने सर्व करना है और कौन सी ज़रूरतों को पूरा करना है, कौन से प्रोडक्ट्स ऑफ़र करने हैं और कहाँ पे हमारा बिज़नेस जो है सेटअप होना चाहिए, कहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है सेट करनी है।
अब हम देखते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है। देखो, जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, तो ये दो शब्दों से बना हुआ है। जब भी हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, तो इसका अर्थ होता है फ्यूचर के अंदर। और मैनेजमेंट के अंदर क्या है, मैनेजमेंट का अर्थ होता है जो जब हम दूसरों से जो है काम करवाते हैं। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है डिफाइंड एज द डायनामिक, डायनामिक होता है चेंजिंग, डायनामिक प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्युएशन एंड कंट्रोल ऑफ स्ट्रैटेजी टू रियलाइज द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रैटेजिक इंटेंट। देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इंटेंट होता है, जो लॉन्ग टर्म उसके गोल्स हैं, जो लॉन्ग टर्म उसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो लॉन्ग टर्म उसके पर्पज़ हैं, विजन है, मिशन है, उनको अचीव करने के लिए हम किस तरह से स्ट्रैटेजी जो है उसकी प्लानिंग करते हैं, किस तरह से हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरह से उनकी एवेल्युएशन करते हैं, किस तरह से उनको मॉडिफाई करते हैं, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको हम अचीव कर सकें। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ डिसीजन एंड एक्शन डैट रिजल्ट इन फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉरपोरेशन। देखो, यहाँ पे क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जिनको अचीव करने के लिए हम कुछ डिसीजंस लेते हैं, कुछ एक्शंस लेते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हम अपना लॉन्ग टर्म गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन अपना अचीव कर सके। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देखो, यहाँ पे जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, ये ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक मेथड। देखो, यहाँ पे पहले हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, और उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं कि हमने अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। तो यहाँ पे देखो, ये ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक मेथड, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो होता है ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि दो तरह की डिसीजन लिए जाते हैं, एक तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की जाती है जिसके बेसिस पे हम लॉन्ग टर्म गोल सोचते हैं, और सेकंड पार्ट होता है कि जिसके अंदर हम एक्शन स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि उन गोल्स को हमने अचीव कैसे करना है। जब भी हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज लिंक्ड विद द फ्यूचर ओरिएंटेड, कि फ्यूचर के अंदर हमने अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। और यहाँ पर डायनेमिक प्रोसेस का है, क्योंकि देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जिसके अंदर गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, कंपटीशन आ जाता है, कंपटीटर आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं, सब कुछ क्या होता है, चेंज होता रहता है। इवन ऑर्गेनाइजेशन के विद इन भी क्या होता है कि काफ़ी सारी चेंजेस आती रहती हैं। तो डायनामिक प्रोसेस का अर्थ होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक डायनामिक इन्वायरमेंट के अंदर ऑपरेट करती है, और डायनामिक जो चेंजेस आते हैं उन्हीं को देखते हुए अपने प्लान्स और स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई करती है। और यहाँ पे जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी एक्शन प्लान होता है, वो लॉन्ग टर्म उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होगी, यहाँ पे ये देखा जाता है कि ये हमारे गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे किस तरह से हमने इन गोल्स को अचीव करना है। जो भी हम एक्शन प्लान बनाते हैं, उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलता है, उसको हम मद्देनज़र में रखते हैं। अब ये है कि देखो, जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, दिखने में बहुत सिंपल लगता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने हैं, बट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये इस वजह से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे देखो, हमने फ्यूचर के साथ डिसीजन लेने हैं, फ्यूचर के अंदर हमने गोल्स को अचीव करने के लिए किस तरह से स्ट्रैटेजीज बनानी है, एग्जीक्यूट करना है, और फ्यूचर जो होता है हमेशा अनसर्टन होता है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेंटी होती है, क्योंकि जिस चीज़ को हम एनालाइज ही नहीं कर सकते, जिस चीज़ को हम असेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर के अंदर जैसा हम सोचते हैं कई बार वैसा नहीं होता। तो इस जैसे क्या होता है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, डेट इज वेरी डिफिकल्ट। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच ही, जैसे कॉर्पोरेट लेवल पे हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, बिजनेस लेवल पे क्या है, फंक्शनल लेवल पे क्या है, सबका क्या है, इंटीग्रेशन होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैनेजर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं, तो उनकी अपनी अलग प्रायोरिटीज होती हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना जो होता है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हम तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर हमारी इंटीग्रेटेड अप्रोच है। और यहाँ पे क्या है कि जब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर स्ट्रैटेजीज की फॉर्मुलेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट होता है, तो यहाँ पे उसी के मुताबिक हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस लानी पड़ती है।
जैसे डाइवर्सिटी, वर्कफोर्स के अंदर डाइवर्सिटी है तो हमारा कल्चर के अंदर हमें चेंजेस लानी पड़ती है, लीडरशिप स्टाइल के अंदर चेंजेस करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसके अंदर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिवॉर्ड सिस्टम के अंदर चेंजेस करनी पड़ती है। तो इस वजह से क्या है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है डैट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस है फेसेस क्या है। देखो सबसे पहले हम स्ट्रैटेजिक इंटेंट को एस्टैब्लिश करते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं, उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसा हमने सोचा था क्या स्ट्रैटेजीज हमारी वैसे डिज़ायर रिजल्ट जो है प्राप्त कर रही है या नहीं कर रही है। अब हम जो प्रोसेस है इसको ब्रीफली जो समझेंगे, क्योंकि इसके भी मैंने अलग अलग जो है लेक्चर्स डाले हुए हैं, जैसे स्ट्रैटेजिक इंटेंट पे भी डाला हुआ है। तो पहला जो है देखो एस्टैब्लिशिंग द हायरार्की ऑफ द स्ट्रैटेजिक इंटेंट। देखो यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस पर्पस के लिए सेटअप की गई है, तो क्योंकि उस जिस पर्पस के लिए सेटअप की गई है वही उसकी फाउंडेशन ले करता है, वहीं से उसका विजन मिशन गोल जो है ड्राइव होते हैं। सबसे पहले है स्ट्रैटेजिक इंटेंट के अंदर देखो क्रिएटिंग एंड कम्युनिकेटिंग ए विज़न, कि हमारा फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या है, हम ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशनिंग कैसे करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो है आने वाले 10 सालों के अंदर इस पोजीशन पे होनी चाहिए, और उसी के बेसिस पे हम अपनी मिशन स्टेटमेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस जो है एस्टैब्लिश करती है। फिर हम डिफाइन करते हैं बिजनेस, बिजनेस को डिफाइन करते हैं कि हमारे हमने किन कस्टमर को सर्व करना है, क्या प्रोडक्ट्स उनको देने हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, क्या हमारा बिजनेस मॉडल है जिसके द्वारा हमने अपने डिफाइंड जो कस्टमर्स हैं, जो उनको उनके कस्टमर को जो हमने चीज़ें देनी है वो उनकी क्या ज़रूरतों को पूरा करती है, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, और उसके बेसिस पे हम क्या है कि अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो है सेट करते हैं। और सेकंड जो स्टेप है देखो, सबसे पहले हमने स्ट्रैटेजिक इंटेंट, हायरार्की ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट, विज़न क्या है, मिशन क्या है, नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है तो हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्वॉट एनालिसिस करते हैं, जिसके अंदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट को भी गौज करते हैं, उसके अंदर क्या हमारे लिए वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ है, और जिसके बेसिस पे हम जो है कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रैटेजी सेटअप करते हैं, बिजनेस लेवल पे सेटअप करते हैं, और जो है फंक्शनल लेवल पे करते हैं। कॉर्पोरेट लेवल पे ग्रैंड स्ट्रैटेजीज होती हैं ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन, जो कि मैं आगे वाले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर बताऊंगी। और उसी तरह हम बिजनेस लेवल के अंदर सेट करते हैं कि देखो बिजनेस के अंदर हमने अपनी पोजिशनिंग किस तरह से करनी है, हमने कम से कम कॉस्ट पे अपने आप को एज ए लीडर शो करना है, या हमने यूनिक प्रोडक्ट जो है हाई प्राइस पे देना है, हमारा फोकस किस पे है, कॉस्ट पे है या डिफरेंशिएशन पे है। उसी तरह जो हमारे अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे मार्केटिंग की है, फिनांस की है, तो उनको हैंडल करने के लिए कैसे स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। और उसी तरह देखो हम डिफरेंट लेवल पे स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है उसको स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे क्या होता है कि डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम चॉइस करते हैं कि ये स्ट्रैटेजीज हमारे लिए ज़्यादा जो है सुटेबल है, जिसके बेसिस पे हम स्ट्रैटेजीज की प्लानिंग करते हैं। और उसी तरह देखो ये था प्लानिंग पार्ट जिसके अंदर हमने क्या है प्लान आउट किया है। अब देखो यहाँ पे ये एक्शन प्लान है जिसके अंदर हम अपने एनुअल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और किस तरह से हम पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, और यहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ी बहुत ये मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो भी करते हैं, रिसोर्सेज की एलोकेशन करते हैं, और जो हमें लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस आने चाहिए तो वो चेंजेस को भी हम हैंडल करते हैं, और जो लोग लगता है कि चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो उनको भी हम सोचते हैं कि किस तरह से हमने उनकी रेजिस्टेंस को हैंडल करना है, और किस तरह से जो सब कुछ नया है तो उसके मुताबिक जो है रिवॉर्ड सिस्टम के कैसे उनकी वेजेस, सैलरी कैसे, उनके परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है, वो सब कुछ भी हम चेंजेस करते हैं। उसके बाद एंड के अंदर क्या है कि देखो जो हमने किया है उसके बाद हम उसकी एवैल्यूएशन करते हैं कि जो हमने स्ट्रैटेजी सोची थी क्या वह वैसे ही डिज़ायर रिजल्ट दे रही है, वैसे इफेक्टिवली काम कर रही है या नहीं कर रही है, और उसके अंदर हम कंट्रोल के द्वारा जो उसकी अजम्पशन है या जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या मॉडिफिकेशंस करनी है, तो उन सबको हम देखते हैं। उसके बेसिस पे क्या होता है कि अगर हमें लगता है कि
जैसा हमने सोचा था वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर अजम्पशन चेंज हो रही हैं, तो उसके मुताबिक अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको हम दोबारा से जो नई अजम्पशन हैं, जो एनवायरनमेंट के अंदर नई चेंजेस हैं, उसके द्वारा हम जो है उसको रीफॉर्मुलेट करते हैं।